हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फ़ोन 10 डिस्प्ले साइज़ के बारे में। जैसे कि हम फ़ोन 10 डिस्प्ले साइज़ को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, फ़ोन 10 डिस्प्ले साइज़ पर जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ़ोन साइज़ को इनक्रीज़ करेंगे और इसी तरीके से डिस्प्ले साइज़ को इनक्रीज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ से इनक्रीज़ करना है, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका जो फ़ोन 10 डिस्प्ले साइज़ है वह बहुत ही लार्ज हो जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा हो गया आपका फ़ोन 10 डिस्प्ले साइज़। ये देखिए इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं फ़ोन 10 डिस्प्ले साइज़ आपका इस तरीके का हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप इसे ऑफ़ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, पहले जैसा सेटिंग पे जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ़ोन 10 डिस्प्ले साइज़ तो यहाँ पर शो हो जाएगा, फ़ोन 10 डिस्प्ले साइज़, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और फ़ोन साइज़ को डिक्रीज़ करेंगे और इस तरीके से डिस्प्ले साइज़ को भी डिक्रीज़ करना है और अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका फ़ोन 10 डिस्प्ले साइज़ इस तरीके का हो जाएगा पहले जैसा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।